वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी भी दिन नए इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्ला ने बड़ा दावा कर दिया, कहते हैं करप्शन में मुल्क को गर्क कर दिया, पंजाब में जितनी करप्शन है उसकी मिसाल नहीं मिलती, लोगों की तरफ से उनको कोई मुआफ़ी नहीं, हुकूमत रेत की दीवार है, गिरे हुए को गिराने की ज़रूरत नहीं। 2023 में इलेक्शन हुए तो घरों से ये नहीं निकल सकेंगे। उन्होंने कहा कि एहतसाब और करप्शन के बयानिए की हंडिया बीच चौराहे पर फूट चुकी है, जिनको NRO तुमने देना था दे चुके हो, अवाम एक अरब दरख्त को ढूंढ रहे हैं। ये करप्शन करप्शन का राग लाते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, करप्शन जो है वो उसकी वजह से मुल्क जो है वो तबाह होते हैं, मुल्क तबाह हो गया। इस वक्त जितनी करप्शन यहाँ पंजाब में है इसकी मिसाल पिछले 72-73 साल में नहीं मिलती। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा सिर्फ एक आदमी जो ऊपर बैठा है जो सिर्फ हर वक्त जो है वो अपोजिशन को जो है वो गालियाँ देता है और कहता है कि जनाब मैं जो है वो NRO जो है वो नहीं दूँ। तो भाई ये NRO जिनको तुमने देना था वो तो तुम दे चुके हो और करप्शन में तुमने गर्क कर दिया है इस मुल्क को। अगर ये 23 में इलेक्शन करवाते हैं तो ये अपने घरों से नहीं निकल सके, ये मेरी बात आज नोट कर। आप रेत की दीवार हैं, इंशाल्लाह ताला आप जो है वो गिर जाएंगे, बल्कि आप गिरे हुए हैं। हमें किसी को जो है वो कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पूरा एतमाद जो है वो अल्लाह के फज़ल से अवाम पे है।